हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विस्टम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि में क्या क्या विकास हुआ है, कौन कौन सा संस्थान कहां पर स्थित हैं, फसल चक्रों के बारे में चर्चा करेंगे, किसका उत्पादन कहां पर है, ये सारी बातों की डिस्कशन करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि या कृषि के जो आंकड़े हैं उनको हम दो अलग अलग भागों में तैयार करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटिक पार्ट तैयार करेंगे जो चेंज नहीं होता है जनरली, ठीक है, जैसे संस्थान हो गए, विभाग हो गए, ठीक है, या योगदान हो गया, ठीक है, या ऐसी रिपोर्टें जो 5 साल में एक बार आती हैं, 10 वर्ष में एक बार आती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष आर्थिकी आती है और उस आर्थिकी में आपका बहुत सारा डेटा दिया गया जाता है वार्षिक रूप से, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसमें डेटा दिया जाता है। तो वो कुछ पार्ट ऐसा है करंट अफेयर्स का जिसमें एग्रीकल्चर की अपडेट होती है, तो वो हम जब नई आर्थिकी 2024 की आएगी उसके अंतर्गत कवर करेंगे। यहाँ पर हम स्टेटिक पार्ट की को कवर करेंगे जो कि चेंज नहीं होगा, ठीक है, और हमेशा सेम रहेगा। जैसे कोई संस्थान कहीं स्थित है, ठीक है, या कोई अनुसंधान केंद्र कहीं स्थित है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे जूट के अनुसंधान हो गए, मिल्स हो गई, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहीं पर कोई शोध है, ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र है, इनकी बारी चर्चा होगी, ठीक है। और जो अपडेशन डेटा है कि कहाँ पे उत्पादन ज़्यादा हुआ, इस वर्ष उत्पादन कम कहाँ हुआ, इसको हम आर्थिकी के अंतर्गत कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना 1976 में की गई, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई, 1976 में। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना 2001 में की गई। वहीं राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई लखनऊ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, लखनऊ में की गई है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकार जितने हैं उसमें कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है, ठीक है। तो कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकार जितने हैं, मतलब कृषि का काम कितना लोग करते हैं, तो 59.3%, यानी आधे से अधिक पॉपुलेशन जो है वो आपकी किसमें है, कृषि कार्यों में संलग्न है। वहीं कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। अब बात कर लेते हैं क्रियाशील जोतों के आकार के बारे में। तो कृषि गणना हुई थी 2015-16, उसका आंकड़े एक दो वर्ष के पश्चात आए, तो माना गया कि प्रदेश में जो औसत क्रियाशील जोत का आकार है वो 0.73 हेक्टेयर है। कितना है, 0.73 हेक्टेयर। अब बात कर लेते हैं देश में कुल जितनी भी कृषि योग्य भूमि है उसका 10.34% भाग, ध्यान रखिएगा ये 3-4 आपको हर हाल में याद रखना है, इसमें ही डेटा चेंज होगा। 10% नहीं हुआ, 3.3 हो सकता है, ठीक है, अब 3.5 हो सकता है, 3.8 हो सकता है, ध्यान रखिएगा 10.24 हो सकता है, ठीक। तो 10.34 है जो कि एग्जैक्टली सही है। पूरे देश में जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उसका 10.34% भाग कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। पूरे देश में लगभग 9 पुष्प उत्पादन केंद्र है, पूरे देश में मान के चलिए 9 पुष्प उत्पादन केंद्र है, उनमें से एक केंद्र यूपी में, केवल एक केंद्र है जो कि लखनऊ में है। अफीम का उत्पादन बाराबंकी में होता है और केवल पूरे प्रदेश में एक अफीम की फैक्ट्री है जो कि कहाँ स्थापित है, गाजीपुर में है। आगे देखिए, अमरूद प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है, कहाँ पर है, अमरूद शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, प्रयागराज में है। आम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, लखनऊ में है। वहीं कन्नौज में पुष्प इत्र के लिए काफ़ी, कन्नौज फेमस है, मतलब इत्र के लिए कन्नौज काफ़ी प्रसिद्ध है। उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 1974 में की गई, कब की गई, उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 1974 में की गई। आगे देखिए, कृषि क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज तथा झांसी में स्थापित किए गए हैं। तो एग्रीकल्चर में औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रीज प्रयोग को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आईटी को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। वो कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, बस्ती में स्थापित किया गया है, सहारनपुर में स्थापित किया गया है, लखनऊ में स्थापित किया गया है, प्रयागराज में किया गया है और झांसी में किया गया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर एग्रीकल्चर में औद्योगिक प्रयोग ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो जो मशीनें हैं, ठीक है, मशीनाइज्ड कर दिया जाएगा, कृषि का मशीनीकरण हो जाएगा, जिससे कि कम समय में किसानों को अच्छी फसलें मिलेंगी, ठीक है, वो उन मशीनों का प्रयोग करके अपने समय और जो उनका बल है, शारीरिक बल है, वो कम बल में अधिक मेहनत कर पाएंगे, जिससे उनकी उत्पादकता क्या होगी, उत्पादकता भी बढ़ेगी। आगे देखिए,
आंवला उत्पादन सर्वाधिक प्रतापगढ़ में होता है, वहीं पान उत्पादन जो है वो महोबा में है, और पान का प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र भी कहाँ है, महोबा में है। संतरा उत्पादन सहारनपुर में रहता है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में संतरा उत्पादन कहाँ होता है, तो संतरा उत्पादन होता है आपका सहारनपुर में। वहीं लीची उत्पादन के लिए सहारनपुर और मेरठ दोनों फेमस हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संतरा उत्पादन सहारनपुर और लीची उत्पादन के लिए सहारनपुर और मेरठ दोनों फेमस है। तो पान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है पूछा जाता है, महोबा में। पान का उत्पादन भी कहाँ हो रहा है, महोबा में। आंवला उत्पादन का कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रदेश में आंवला उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवला उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, एग्रीकल्चर के बचे हुए हिस्से को कवर करेंगे, जिससे कि आसानी से हमारी चीज़ें कवर हो जाए और एग्रीकल्चर पार्ट हमारा पूरा हो जाए। इससे पहले हमने दो भाग पूरे कर लिए हैं, जिसमें शिक्षा हमने पूरा किया और इसके साथ साथ कला एवं संस्कृति को भी कंप्लीट किया। अब यह तीसरा खंड है, और तीसरा खंड में हम एग्रीकल्चर को पूरा कर रहे हैं। दो तीन वीडियो में हम एग्रीकल्चर को भी पूरा कर लेंगे, और इसके बाद जो बचे हुए आपके टॉपिक्स हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से, उनको भी बारी बारी से ख़त्म करेंगे, जिससे कि हमारी समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है, PCS की जो प्रारंभिक परीक्षा है, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है, उनमें जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित नॉलेज या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनकी तैयारी करने के लिए जो आपको इन शॉर्ट मटेरियल है वो इस चैनल से आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।